हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोग जो है हजारों मैसेजेस हमें कर चुके हो कि अभी क्या होगा। कुछ लोगों का रिजेक्ट हो गया, कुछ लोगों का वेरीफाई हुआ एंड कुछ लोगों का अभी भी एज इट इज है, तो उनका क्या होने वाला है। तो चलिए हम इस तीनों टॉपिक पे बात करते हैं कि जिनका वेरीफाई हो गया पैसा कब तक आएगा, और जिन लोगों का पैसा आ रहा है क्या उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आने वाला है, इस पर भी क्वेश्चन है आप लोगों का, उसको भी लेंगे। एंड साथ साथ जिनका रिजेक्ट हो गया क्या कोई ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है या नहीं, एंड तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों का अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है उनका क्या वेरीफाई हो सकता है, इन तीनों टॉपिक पे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहली बात, जिन लोगों का अभी भी पेंडिंग है उन लोगों के लिए क्या, देखो ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि जो लोगों का डेटा जो है कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड नहीं किया गया था उन लोगों का क्या होगा। उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसमें DDU, उसमें जो है आपके लखनऊ यूनिवर्सिटीज के कुछ कॉलेजेस शामिल हैं। अब इन लोगों के लिए क्या ऑप्शन निकाला जाएगा, अभी तक इस पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हमें लगातार जो है बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम क्या करें मैम, हमारा अभी तक जो है फॉरवर्ड नहीं किया गया है और ये सिर्फ लापरवाही कॉलेज की थी, तो क्या हमें नहीं मिलेगा पैसा। देखो, जब आप लोगों को पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है और आपको आपके कॉलेज की गलती है जिसकी वजह से जो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कंप्लेन डालिए। सिंपल, आप लोग जो है पहले तो कॉलेज से बात कीजिए कि क्या इसमें हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन ये हम उम्मीद लगाकर तो डेफिनेटली बैठे हैं कि ऐसे कॉलेजेस ऐसे यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ किया जाएगा, बोला भी गया था, लेकिन अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं किया गया है। दूसरा जो है, जिन लोगों का पेंडिंग है उन लोगों का क्या, तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ पहले, फिर उस पर बात करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है समाज कल्याण विभाग आगरा से निकाला गया है। इसमें बोला गया है कि जिन लोगों का जो है डेटा अभी भी वेरीफाइड नहीं है, उन लोगों का जो है काम एक्चुअली में जितना डेटा उनको मिला था लखनऊ से उसको इन्होंने वेरीफाई किया है, लेकिन जो नहीं आया है उसके लिए अभी जो है लखनऊ से कोई भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो कि इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही डेटा जो है वहां से आ जाएगा, उनको मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है इस पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी। मतलब ये है कि जिनका अभी पेंडिंग है जिन लोगों का, उन लोगों के पास थोड़ी सी उम्मीद बची है। मैं नहीं ज्यादा उम्मीद आपको दूंगी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बताया जा रहा है कि नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी, आपसे अपेक्षा है कि आप अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं से आप जुड़े रहिए, छात्र छात्राओं से जो है अपना आपने चीजों को, मतलब जो स्टूडेंट्स है अपने कॉलेज से जुड़े रहिए, वहां से इंफॉर्मेशन लेते रहिए। तो जिन लोगों का पेंडिंग है ये लास्ट ऑप्शन आपके पास बताया जा रहा है, और ये आगरा से निकला है। इसका मतलब है कि हर समाज कल्याण विभाग में जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जिन बच्चों का पेंडिंग में है उनको क्या करना है और किस तरह से करना है। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी कुछ उम्मीद निकल करके आए। ये सारे रिन्यूअल वाले हैं जिनका वेरीफाई हो चुका है। रिन्यूअल के स्टूडेंट का वेरिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है मिल रहा है। ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, ये बच्चे का बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगा ही है, फिर भी इसको मैं बताती हूँ आपको। देखो, इन्होंने लिखा है कि हेलो मैम, मैं SC कास्ट से हूँ, मेरी बहन क्लास 9th की स्टूडेंट है, उसका स्कॉलरशिप 1400 आया है। देखो SC ST के बच्चों, आप लोग थोड़ा सा समझ लो, आप लोगों का ना दो इंस्टॉलमेंट जो है दो पार्ट, आप लोगों का स्कॉलरशिप दो पार्ट में आता है, एक स्टेट की तरफ से आता है और एक सेंट्रल की तरफ से आता है। तो स्टेट की तरफ से जो आता है वो आप लोगों का 40% होता है, और जो सेंट्रल की तरफ से आता है वो आपका 60% होता है। तो अभी आप लोग क्या जो है सेंट्रल की तरफ से पैसा आना है। अब आप पूछोगे कब तक आएगा, ये क्लास 9th 10th के लिए बात हो रही है, पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो वो आप लोग को 20 मार्च तक जो है देखने को मिल सकता है। तो सेंट्रल वाला पैसा जो है अभी आपका बचा हुआ है बाबू, इसीलिए आपको सिर्फ 1400 आया है। और इन्होंने ये भी पूछा कि उसकी फ्रेंड जनरल कास्ट से है और उसका 3000 आया है। तो जनरल कास्ट का जो है एक ही जगह से मिलता है, इसलिए उनको दिया गया है। आपका जो है सेंट्रल से पैसा आएगा,
तो फिर आपका भी हो जाएगा उसी तरह से, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, आपका दो पार्ट में पैसा आता है, ठीक है? तो सेकेंड आपका क्वेश्चन यही था कि क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, तो हाँ बिल्कुल आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट SC ST वाले बच्चों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा। यहां पर मैं बात करती हूँ इस तरह के जो भी रिजेक्ट हुए हैं, अब हम लोग रिजेक्शन पे बात करते हैं। मैंने जो रिजेक्शन देखा है और जो बच्चे रो करके और ये हमें भेज रहे हैं, कुछ बच्चों की तो खुद की गलती है, तो खुद की गलती है तो वो थोड़ा एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों की खुद की गलती नहीं है, कॉलेजेस की लापरवाही को स्कूल्स की लापरवाही की वजह से उनका पैसा नहीं आ रहा, उनके लिए क्या? यहाँ पे देखो इस बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि मैम हमने जो है सब कुछ टाइम पे सबमिट किया, सब कुछ किया, लेकिन स्कूल के थ्रू जो है हमारा डेटा फॉरवर्ड नहीं किया गया, हमारा स्कूल की तरफ से जो है डेटा नहीं दिया गया, तो रिजेक्ट हो गया है। अब ऐसे केसेस में बच्चे क्या करें? कुछ बच्चों ने करेक्शन का डेटा जो है ले जा करके कॉलेजेस को दिया है, लेकिन कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड नहीं किया है। मुझे तो ऐसे भी जगह से कॉल आए हैं जहां पे बकायदा बच्चों से पैसा लिया गया है करेक्शन करने के लिए, जबकि करेक्शन का कोई पैसा नहीं था और मनमाने ढंग से लिया गया, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1200, 1500, इस तरह का पैसा लिया गया है। फिर भी अगर बच्चे का वेरीफाई नहीं हो रहा है तो फिर इसमें गलती किसकी है? क्यों कॉलेज और स्कूल वाले इसमें सीरियस नहीं हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी कॉलेजेस का यही हाल है, लेकिन क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस ने बच्चों को बहुत सपोर्ट भी किया है और उनके लिए जो है उनका वेरीफाइड नहीं था तो खुद से उन्होंने लिख करके भेजा है, जैसे सस्पेक्ट लिस्ट में आया था, बच्चों को पता भी नहीं चला, सस्पेक्ट लिस्ट में आया था, उन्होंने भेजा, बच्चों को मैसेज किया कि तुम ये डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाओ, बच्चे जा रहे हैं, उनका हो जा रहा है। तो एक्चुअली में कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही बात जो है समझ में नहीं आ रही, इस पे भी सरकार को जो है कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ये डे बाय डे जो है चीजें बढ़ते जा रही हैं और बच्चों को जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं जिनका रिजेक्ट हो चुका है, क्या उनके पास कोई चांस है? सच सुनना चाहते हो तो मैं बोलूंगी नहीं है। अब थोड़ा सा कड़वा है लेकिन यही है सच कि चांस नहीं है। 12 मार्च जो है वेरिफिकेशन का लास्ट था, अब जो लोग का बच गया है पेंडिंग का, वो लास्ट एक राउंड में उसमें ज्यादातर लोगों का रिजेक्ट होगा, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि हर साल का हमारा देखा हुआ चीज है। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि 12 मार्च तक वेट करो, 12 मार्च सब सही हो जाएगा, लेकिन अब जिनका नहीं हुआ है उनमें मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। जिनका प्रॉब्लम होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं कि हाँ हमारे में ही प्रॉब्लम था, ये था, तो रूल चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने की गलती नहीं थी उनका हुआ है, उनके लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है। फिर भी एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके रखना, क्योंकि अभी उन लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा एक छोटा सा है, जिन लोगों के पूरे कॉलेज का ही जो है डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ है और जिसमें DDU लखनऊ ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस शामिल हैं, उनके लिए हो सकता है कुछ सोचा जाए। अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, कंफर्म जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो एक बार अपने कॉलेज के कॉन्टेक्ट में जरूर रहिए, और जैसे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया उसमें भी बोला गया है कि जिन लोगों का पेंडिंग है वो अपने कॉलेज के साथ कांटेक्ट बना करके रखे और कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दे कि अभी उनका जो है डेटा क्लियर हो करके उनको मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है आप लोगों का। अब जिन लोगों का वेरीफाई हो चुका है उनको 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च 31 मार्च तक जो है पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का जिनका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है? चलिए इस और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मेरे पास कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी तभी मैं आपके पास लेकर के आऊंगी, क्योंकि अफसोस तो हमारे पास भी था लेकिन ऐसे ही आकर के सिर्फ बोल देना सही नहीं लगता है। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के लिए जरूरी है, कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।